देख रहे हैं एसकेके न्यूज। एसकेके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं राधिका, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। एसकेके न्यूज पर देखें वैशाली जिला की खबरें। वैशाली, लालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न ब्रांडों की शराब हरियाणा मेड और अरुणाचल मेड के नाम पर पुलिस से चिपके पी रहे थे। वो सभी शराब आपके आसपास ही पैकिंग हो रही थी। इसी क्रम में नकली शराब फैक्ट्री जिला के लालगंज थाना क्षेत्र में संचालित थी, जिसकी सूचना मिलते ही जिला उत्पाद की टीम ने उप शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। हाजीपुर से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। दियरा के बगल का इलाका है, वहाँ शराब अवैध शराब को बनाया जा रहा है। कभी कभी हम लोगों को यह पता चल रहा था कि वहीं से शराब आता है, इसी सूचना पर हम लोग वहाँ रेकी कर रहे थे। सूचना एकत्र की है तो पता चला कि वहाँ अंग्रेजी शराब को नकली तरीके से तैयार किया गया है। सलेमपुर में ये जहाँ देवनंदन राय के घर से जो अर्धनिर्मित मकान है, अभी बन ही रहा था, उसी घर के एक कोने में, एक कमरे में ये सब सारी सामग्रियां बरामद की गई है, जिसमें ये अवैध शराब है। हर एक ब्रांड का बना हुआ है, इंटीरियर ब्लू है, रॉयल स्टेज है, ऑफिसर चॉइस ब्लू है, ये रैपर देख रहे हैं, और ये सब शराब बना हुआ है। कुछ केमिकल और स्प्रिट भी मिलाया हुआ है। कॉर्क और ढक्कन है, ये सब बरामद किया गया। थाने से कितनी दूरी पर चल रहे हैं? थाने से तो काफी दूरी है, थाने से तो वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर अलग है। तो क्या लग रहा है जो अवैध जो रैपर ये सब है, यहीं पे छुपाया गया या फिर कहीं चला? ये तो अंतर क्या है ओरिजिनल और इस रैपर में? नहीं, अभी तो देखने में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से चोरी छिपे लोग शराब पी रहे हैं, ये जानलेवा शराब ही पी रहे हैं, इसीलिए फिर यह है कि ये नकली शराब ही मार्केट में उपलब्ध है। जो लोग चोरी छिपे पी रहे हैं, लोग इसको ना पिए, यही हम लोग ये करते हैं। मतलब नकली रैपर ही सब लगा के ओरिजिनल की तरह? हाँ, सेम ओरिजिनल की तरह आपके सामने है, सब ये बना के देख रहा है, जिसमें वो राजकुमार, अखिलेश और 3-4 व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित थे, सभी लोगों का नाम आ रहा है। हम लोग उसके जांच में जुटे हुए हैं। सभी इसमें जितने शामिल लोग हैं, सभी पर FIR हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि गाँव में हम लोग जैसे ही प्रवेश किए हैं, उनको भनक लग गई है, सभी घर छोड़ के फरार हो गए हैं।